ग्लोइंग स्किन हर किसी का ख्वाब होता है। आंखों के नीचे गड्ढे ना नजर आए, स्किन में शाइन रहे, और अब तो देखिए धीरे धीरे फेस्टिवल्स भी आने लगे हैं, तो क्या करें कि हमारी स्किन ग्लो अभी से करना शुरू कर दे। आइए आज इसी पे बात करते हैं, किस तरह राइट एक्सफोलिएशन करके हम अपने डेड स्किन सेल्स को हटा सकते हैं। ग्लो हमेशा न्यू सेल से आता है। जब ओल्ड सेल स्किन की लेयर पे बनने लगते हैं तो वो फिजिक्स है, ये लाइट जब उनसे रिफ्लेक्ट करके जाती है तो वो डल लगती है। तो इसका मतलब है कि अगर हम डेड सेल्स को हटाते रहें तो वो हमारा ग्लो बिल्कुल बरकरार रहेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या रोज रोज स्क्रब करना सही है? नहीं। देखिए, एपिडर्मिस में कम से कम 10 से 12 लेयर्स होती हैं। नीचे की जो लेयर है ये लाइव लेयर है, और जैसे जैसे ये ऊपर आती चली जाती है, ऊपर हमारी स्किन पे एक डेड सेल की लेयर बन जाती है जो हमारी स्किन को डल बनाती है। अगर हम इसको हटाते रहेंगे तो वहाँ पर ग्लो आ जाएगा। लेकिन अगर आप रोज़ हटाएंगे, आजकल तो देखिए कि एक्सफोलिएशन वाले फेस वॉश भी नज़र आ रहे हैं, तो क्या हमें रोज़ हटाने की ज़रूरत है? नहीं। अगर हम एक्सफोलिएशन रोज़ करेंगे तो हम इमेच्योर सेल्स को ऊपर ला देंगे और वो पिगमेंटेशन कर सकते हैं, स्किन को खुरदुरा कर सकते हैं, पोर्स खुल सकते हैं। तो व्हाट इज़ द राइट वे? राइट वे ये है कि कम से कम 15 दिन में एक बार आप स्किन को एक्सफोलिएट करेंगे। जो आपका एक्सफोलिएशन मास्क होगा वो बहुत ही माइल्ड होना चाहिए। देखिए, जो वॉलनट मास्क आते थे वो बहुत हार्ड होते हैं, वो आप एक्सफोलिएशन के लिए लेग्स पर, फीट पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फेस पर नहीं। फेस के लिए ज़रूरी है इस तरह के बारीक मास्क। इसको आप एक्सफोलिएट करिए, अच्छी तरह से सर्कुलर मोशन में लगाइए और पानी से धो लीजिए, लेकिन सिर्फ 15 दिन में एक बार। अगर आपको कहीं पार्टी में जाना है या टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स को हम एक्सफोलिएशन बिल्कुल नहीं बोलते क्योंकि उनकी स्किन बहुत ऑयली होती है, और ऑयली स्किन में अगर आप ज़रा भी प्रेशर लगा देंगे वहाँ निशान पड़ जाएगा। तो उनके लिए क्या है? उनके लिए होता है पील ऑफ मास्क। बाजार में बहुत सारे पील ऑफ मास्क होते हैं। पील ऑफ मास्क अगर आप स्किन पे लगाएं, उसको 5 मिनट तक ड्राई होने दें और उसको निकाल दें, तो यहाँ पर बगैर किसी प्रेशर के आपकी टॉप लेयर ऑफ डेड सेल्स निकल गई है। लेकिन गुजारिश यही है कि 15 दिन में एक बार से पहले ज़्यादा कुछ भी ना करें, नहीं तो स्किन रिबेल करेगी और ज़्यादा डार्क हो जाएगी और थिक हो जाएगी। तो पार्टी के ग्लो के लिए, फेस्टिवल के ग्लो के लिए आप अपने घर में ही पील ऑफ मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, और धीरे धीरे हल्का हल्का स्क्रब 1-2 वीक्स ज़रूर कीजिए। ये बात मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए लागू होती है। मेल्स को फ़ायदा ये है कि वो रोज़ शेव करते हैं तो वो स्किन वहाँ से एक्सफोलिएट हो जाती है, लेकिन अराउंड द आईज और माथे पे डेड सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो फेस्टिवल का ग्लो, पार्टी का ग्लो, लेकिन स्किन की सेहत को ध्यान में रखते हुए। लेट्स अप को डाउनलोड कीजिए और इसी तरह की बहुत सारी बातें हम आपसे करते रहेंगे।